राम राम सभी किसान भाइयों को और डेयरी फार्मर भाइयों को। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों के जो पशु पालते हैं वो पशु जुगाली नहीं करते, चरना बंद कर देते हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए, हमने इस फार्म पर हमारे खेत के अंदर 300 प्रकार की अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियाँ लगाई हुई है और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को इन पेड़ पौधों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें ताकि किसान भाई अपने खेत में, खलिहान में ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सके। तो देखिए, हमारी इन जड़ी बूटियों में इतनी ताकत है, हर बीमारी का इलाज संभव है, तो लेकिन किसान भाइयों को पता नहीं है। तो देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, हम तरह तरह की बीमारियों से बच सकें, हमारे पशु बीमारियों से बच सकें। तो आज हम बात करेंगे इरंड के बारे में। देखिए, इरंड का एक ऐसा पौधा है, लीवर टॉनिक मान लें इसको, जिन पशुओं का लीवर ख़राब हो जाता है, जिनको जॉइंडिस हो जाता है, जिनको पीलिया हो जाता है लीवर ख़राब होने के कारण, और पशु फिर जुगाली करना बंद कर देता है, पशु चरना बंद कर देता है। तो हमारे पास एक किसान भाई का फ़ोन आया, पशुपालक भाई बिहार से थे, उन्होंने तरह तरह का इलाज करा चुके थे, तरह तरह का ट्रीटमेंट करा चुके थे, लेकिन पशु ठीक नहीं हुआ। तो हमने उसको फ़ोन पर बताया कि आप इरंड के पत्ते ले लें, 8-10 पत्ते लेकर के अपने पशु को खिला दें। अगर पशु खाता नहीं है तो इनको कूट करके, निचोड़ करके, कपड़े से इनका जूस निकाल करके पशु को पिला दें, पशु 2-3 दिन में चलना शुरू हो जाता है। तो उस किसान भाई का फ़ोन आया 5 दिन बाद में कि हमारे पशु ने चरना सही कर दिया है, चरने लग गया, जुगाली करने लग गया। तो इसलिए आपको ये जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। तो देखिए, अगर आपका पशु जुगाली नहीं कर रहा है, चर नहीं रहा है, तो आप 8-10 पत्ते लेकर के अपने पशु को खिला दें। अगर नहीं खाता है तो इसका जूस निकाल कर इनको कूट कर कपड़े में डाल करके पशु को पिला दें। तो देखिए, इसकी मड़ी आप पहचान कर लें, मड़ी पहचान करा दें। ये परेंड हर जगह मिलने वाला, हर जगह इसकी ये ऊपर बीज लगते हैं और इसका ये पत्ता, इस तरह का पत्ता होता है, सभी किसान भाई वैसे जानते भी है, जिसको इरंड कहते हैं, इरंडिया भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपको अभी पहचान में नहीं आया है तो आप गूगल पर जाकर सर्च मार लें इरंड का पौधा, इसकी पहचान आ जाएगी, पहचान करके अपने पशु को इन पेड़ पौधों के पत्ते दे सकते हैं। तो देखिए, हम अगर पशु को कोई भी चीज़ खिलाते हैं, चाहे खल, चूरी, दाना, जो भी डालते हैं, उसी तरह का हम दूध पीते हैं, तो आप इन पेड़ पौधों के, जड़ी बूटियों के अगर पशु को पत्ते खिलाते हैं तो इन्हीं का दूध हम पियेंगे, हम भी तरह तरह की बीमारियों से बचेंगे। तो आप, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि अपने पशु का इलाज कर सकें, अपना खुद का इलाज कर सकें। तो देखिए, आने वाले टाइम में हम ये 300 प्रकार के जड़ी बूटी है, इनकी पहचान भी कराएंगे और अपने पशुओं में तरह तरह की बीमारियों की, कौन सा पौधा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा और किसानों तक शेयर करें और इस चैनल को किसान की आवाज़ निसार, इसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो तुरंत आपको मिले। सभी किसान भाइयों को राम राम।